मजा आया। सो गाइस प्रीव्यू में जो अपने वायरल रील्स वीडियो देखा है, इस तरीके का रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो इस वीडियो को देख लो, आप लोग इजीली क्रिएट कर लोगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप सबको बोर नहीं करूँगा, सीधा आपको दिखाऊँगा और सिखाऊँगा आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है, नीचे जो प्लस इस पर क्लिक करना है, एडिट फोटो पर क्लिक करना है और आपका जो भी फोटो होगा सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो रिमूव बीजी है, रिमूव बीजी पर क्लिक करना है, इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अगर अच्छे से रिमूव नहीं हो पर आपको यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और आपको साइज वगैरह अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इरेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जूम इन करके ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको सिंपल से आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो। अच्छे से इस तरीके से आपको यहाँ पे रिमूव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पीएनजी ऐड करना है, ठीक है। ये सब पीएनजी, जो भी पीएनजी होगा, जो भी मटेरियल मैं यूज करूंगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने का प्रोसेस अगर नहीं पता, टेलीग्राम चैनल पर जाना, पिन क्या हुआ एक वीडियो मिलेगा, हाउ टू डाउनलोड मटेरियल, पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद फाइल इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस इमेज को आपको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आपको ऐसे बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन करना है और सिक्योर वीपीएन यूज़ करना है। प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा सिक्योर वीपीएन, बहुत ही अच्छा वीपीएन है, वही यूज़ करना है, ठीक है। तो सिक्योर वीपीएन को कनेक्ट करना है, उसके बाद कैपकट ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, अरे भाई क्या हुआ, लेग हो गया क्या? हाँ, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, फोटो सेक्शन पे आना है और आपको यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, साउंड्स पर जाना है, जो साउंड होगा उस साउंड को यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो कि मैं ऑल मेटल के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इमेज है इसको आपको यहाँ पे 7 सेकंड रखना है, ठीक है, 7 सेकंड, ठीक है। पूरा परफेक्ट 7 सेकंड पे रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ऐसे बैक आ जाना है, ठीक है। अरे ऑडियो का आ गया भाई, ऑडियो, हाँ ऑडियो ये रहा। ऑडियो को सिलेक्ट करना है, नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा बीट, बीट्स पर क्लिक करना है, ऐड बीट पर क्लिक करना। अरे यार डिलीट हो जा, क्या बोल रहा हूँ मैं। नीचे दिखाई देगा ऑटो जनरेट, ऑटो जनरेट पर क्लिक करना तो अपने आप यहाँ पे बीट ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे बीट ऐड हो चुका है, ठीक है, इस तरह से बीट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ऐसे बैक आना है, आपको ओवरले पर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। ऐड ओवरले पर क्लिक करने के बाद जो इमेज अभी आपने सेव किया ना पिक्सआर्ट से, उस इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस इमेज को आपको यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे इतना तक रखना है, ठीक है, 0.6 सेकंड तक रखना है, ठीक है, हाँ 0.6 सेकंड तक रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो प्लस है दिखाई दे रहा है, प्लस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इस तरीके से जूम इन कर लेना है, ठीक है। और सेकंड जो प्लस है इस पर क्लिक करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंपल से आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है, राइट स्वाइप करना है, डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे 0.6 सेकंड ड्यूरेशन ही रखना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो प्लस है इसको रिमूव कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये सेकंड प्लस भी रिमूव कर देना है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे राइट स्वाइप करना है, नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, मिरर पर क्लिक करना है, ये मिरर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको फिर से क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, डुप्लीकेट पर जाना है, ठीक है, डुप्लीकेट पर जाना है, डुप्लीकेट कर लेना है, जितना भी डुप्लीकेट को कर लेना है, पूरा 7 सेकंड तक डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। उसके बाद ये जो पहला वाला देख सकते हो कुछ इस तरीके से आया, फिर राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है, एक हो गया राइट, लेफ्ट हो गया, फिर से हमको इसको क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल से ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसको चेंज करेंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट रहना चाहिए, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे। फिर से नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट
फिर से होगा यहाँ पे लेफ्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको चेंज करेंगे, मिरर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर से ये राइट हो गया, फिर से लेफ्ट हो गया, फिर से राइट, इसको करना है सिंपल से ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है। अरे रिप्लेस पर क्लिक कर दिया हूँ, हाँ ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, मिरर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्या हो गया, मैं फिर से क्यों रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, मिरर पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म कहाँ गया, हाँ मिरर पे क्लिक कर देना। देखो वो जिस तरह से देखने को मिल जाएगा, इसको ऑडियो में म्यूट कर देता हूँ नहीं तो कॉपी राइट आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, देख सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, फिर से ओवरले पर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ब्लैक स्क्रीन वाला ये वाला पेंज होगा इसको ऐड कर लेना है, पेंज नहीं है एक ब्लैक स्क्रीन है, ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको फिल स्क्रीन करना है, फिल स्क्रीन करने के बाद इसको इस तरह से रोटेट कर देना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद इसको 7 सेकंड तक रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, इस तरीके से इसको रोटेट कर देना है और इसको यहाँ पे रखना है, प्लस पर क्लिक करना है और एंडिंग पॉइंट पे आके और एक प्लस पे क्लिक करना है और सीधा ऊपर लेके आ जाना है। प्लस पे क्लिक करने का जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर लेके चले जाना है। उसके बाद नीचे दिखाई देगा स्प्लाइस, स्प्लाइस पर क्लिक करना है और फिल्टर पर क्लिक कर देना, राइट पर क्लिक कर देना, ये अपने आप जो ब्लैक है वो हट जाएगा, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे राइट स्वाइप करना है, आपको मिलेगा डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन पर क्लिक करना है, डिस्टॉर्शन पर आपको मिलेगा रिपल डिस्टॉर्शन, इसको सिलेक्ट करना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, एडजस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो आपको यहाँ पे स्पीड दिखाई देगा इसको 6 करना है और इंटेंसिटी को भी आपको यहाँ पे 6 कर देना है, ठीक है। राइट पर क्लिक कर देना है, राइट पर क्लिक कर देने के बाद अभी आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना है। अरे क्या हो गया आज, हाँ इसको आपको यहाँ पे 7 सेकंड तक रखना है, ठीक है। आज ये मेरा मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे बैक आने, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो ये प्लस दिखाई दे रहा है वाइट प्लस पर क्लिक करना है और अभी आपके यहाँ पे वीडियो क्लिप्स जो है आपका वीडियो क्लिप्स को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो वीडियो क्लिप्स है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद वीडियो को सिलेक्ट करके टू फिंगर से फिल स्क्रीन कर लेना, उसके बाद आपके यहाँ पे म्यूट क्लिप ऑडियो कर देना ताकि यहाँ पे जो वीडियो क्लिप्स है वो म्यूट हो जाए। उसके बाद आपके पे स्प्लिट करना है, बिट मार्क के हिसाब से स्प्लिट करना है, ठीक है। जो ऑटो जनरेट बिट मार्क हुआ ना उस हिसाब से इसको स्प्लिट करना है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देने, ठीक है। इतना कर लेने के बाद वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पे आना है और इन एनिमेशन पे आपको जो भी इफेक्ट पसंद है आप लोग सिंपल से यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा आप लोग जूम वन यूज करो, ठीक है। जूम वन आपको ये वाला इफेक्ट यूज करो, राइट पर क्लिक करो, नेक्स्ट क्लिप पे जाओ, एनिमेशन पे जाओ, जूम वन को यूज करो, ठीक है, राइट पर क्लिक करो। यानी कि सभी क्लिप्स पे जितना भी वीडियो क्लिप्स होगा जूम वन इफेक्ट आप लोग यूज करना, देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा क्लिप भी आप क्लिप बोल रहे हो, दूसरा एनिमेशन भी आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन जूम वन ज्यादा बेटर है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी सभी क्लिप्स पे जूम वन इफेक्ट आपको यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो आपको बीच बीच में सभी क्लिप्स के बीच बीच में आपको व्हाइट व्हाइट आपको ट्रांजेक्शन का आपको लेयर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक चीज करना है, मेरा नेट भी आज स्लो है, आपको यहाँ पे लाइट इफेक्ट्स पर जाना है और आपको यहाँ पे ल्यूमिन फ्लैश मिलेगा, ल्यूमिन फ्लैश को सिलेक्ट करना है, पूरा 0.1 कर देना है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो कितना लैग हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, जहाँ से वीडियो क्लिप स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पर आना है, आपको नीचे दिखाई देगा ओवरले, ओवरले पर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है, फोटोज पे जाना है और आपको यहाँ पे पीएनजीज को ऐड करना है, ठीक है। ये वाला PNG हो गया या जो भी PNG आपको ऐड करना हो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पर ऑल मटेरियल के अंदर दे दूंगा, ऐड पर क्लिक करना, ठीक है। ऐड पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके सर के ऊपर आपको यहाँ पे अच्छे से पहले साइज इसका कम कर देता हूँ, सर के ऊपर एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो क्लिप जहाँ पे स्टार्ट रहे, हाँ इस जगह पे स्टार्ट रहे, ठीक है, और इसको पूरा एंड तक लेके आ जाना है, ठीक है। ये इफेक्ट देने से पहले करना चाहिए था,
कोई नहीं, आप लोग इफेक्ट देने से पहले करना, नहीं तो इस तरीके से ब्लर ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, प्लस पर क्लिक करना और थोड़ा सा आगे आना जहाँ पे हेड आ रहा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से की फ्रेम ऐड करना है, अच्छे से एडजस्ट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से की फ्रेम को ऐड करना है। ठीक है, की फ्रेम अच्छे से ऐड करना है। ठीक है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, बाकी आप लोग आराम से टाइम लेके करना। ठीक है, तो जिस तरीके से दिखाई देगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो तो जिस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अच्छे से करना आपका और भी अच्छा होगा। इसका वजह से बैगाना है जिस पॉइंट पे वीडियो स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पर आना है, एफेक्ट्स पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और ट्रेंडिंग सेक्शन पर आना है। ट्रेंडिंग सेक्शन पर आपको मिलेगा ब्लैक फ्लैश 2। क्या मिलेगा? ब्लैक फ्लैश 2। ठीक है, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, आज नेट भी स्लो है, मोबाइल भी हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। ब्लैक फ्लैश पर क्लिक करना है, एड पर क्लिक करना है, इसको पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। उसके बाद फिर से वीडियो क्लिप जहाँ से स्टार्ट हो उस पॉइंट पर आना है, वीडियो इफेक्ट्स पर जाना है और आपको यहाँ पे एक मिलेगा इफेक्ट जिसका नाम है एज ग्लो। एज ग्लो मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है और इस इफेक्ट को भी पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। उसके बाद आपका वीडियो फाइनली यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो, जितना आप लोग की फ्रेम अच्छे से करोगे आपका वीडियो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।